आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार दिनांक 26 अगस्त 2022 से मानव दुर्व्यापार और महिला बालिकाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम और जन जागरूकता के लिए चेतना अभियान संपूर्ण मध्य प्रदेश में दिनांक 4 अक्टूबर 2022 तक चलाया जाना है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बालकवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में राघवी थाना द्वारा दुर्गा पंडाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी रोहित पटेल, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह अलावा पत्रकार दिनेश वर्मा, कपिल वर्मा, किशोर कुमावत, सुरेश डाबी, अंकित कुमार रावत, महिला आरक्षक हेमलता बैरागी, आरक्षक नरेंद्र सिंह चावड़ा, मोहन बैरागी सहित बालक बालिका महिलाएं और नव दुर्गा उत्सव समिति यादव मोहल्ला आमजन उपस्थित रहे। राघवी थाना प्रभारी रोहित पटेल ने महिलाओं बालिकाओं को महिला संबंधी हो रहे अपराधों से जागरूक कर अपराधों से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। महिलाओं बालिकाओं को बताया गया किसी भी समस्या से घबराए बिना तत्काल थाने जाकर महिला पुलिस महिला अधिकारी कर्मचारी को बिना हिचकिचाहट के अपनी समस्या बताएं और महिला अधिकारी कर्मचारी से मार्गदर्शन प्राप्त करें। उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह अलावा ने बताया कि बालिकाओं को बताया गया कि उनके साथ कोई भी समस्या होने पर अपने परिजनों से कुछ न छुपाएं और उन्हें अपनी परेशानी अवश्य बताएं। अंत में सभी पुरुष बालक बालिकाओं को राघवी थाना पुलिस द्वारा शपथ दिलाई। उनके बच्चों के प्रति गलत कार्य करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले, किसी प्रकार की हरकत करने वालों को हम स्वयं दंड देंगे, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवरात्रि में चालू किए गए चेतना अभियान के अंतर्गत दुर्गा पांडालों में जाकर बालिकाओं को जो ऊपर घटित होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए उनकी माताओं को समझाइश दी गई, बताया गया कि किस प्रकार से बालिकाओं के प्रति अपराध किए जाते हैं, अपराधों को रोकने के तरीके के बारे में उन लोगों को बताया, समझाया और इन अपराधों से कैसे बचाया जा सकता है इसके बारे में उनको जानकारी दी गई।